आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तंत्र क्रिया में और तंत्र शास्त्र में एक सबसे बड़ा और सबसे अचूक प्रयोग आता है अघोरियों का। होली का समय होता है और इस समय आप खास तौर से देखेंगे जो अघोरी होते हैं वह शमशान की चिता से भस्म से अपनी होली मनाते हैं। अघोरी को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गुण होता है वही भगवान शिव के अंदर है, अर्थात भगवान शिव अर्थात सत्य, जिन्होंने कामदेव को पूरी तरह से जीतना है, जिसके अंदर वासना नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी उसे छू नहीं सकता भगवान शिव को। अब बिना भेद के चाहे सांप हो चाहे शेर हो चाहे भूत हो चाहे देवता हो, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं कर्म के आधार पर। उसी स्वरूप में अघोरी भी हो जाता है। तो उसी अघोरी का दिया हुआ अचूक मंत्र, जिस मंत्र की शक्ति से आप जो है पूर्ण रूप से उस चीज को पा सकते हैं जो आपके सोच और कल्पना से भी परे है। क्योंकि देखिए, सोच क्या है, हमारा कहाँ तक जाता है, जहां तक हमारा गणित और गुणा भाग होता है, तार्किक बुद्धि होता है, वहीं तक हमारा सोच जा सकता है, अनंत असीमित तक नहीं जा सकता। और इसे अगर प्रमाणित करने बोलूंगा तो मैं प्रमाणित भी कर दूंगा। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति अचानक से हार्ट अटैक में मर जाता है, या फिर किसी को लॉटरी लग जाता है, या फिर कोई व्यक्ति सडनली चलते चलते ही कुछ ऐसा चीज अनायास उसे मिल जाता है जो सोचा नहीं रहता है। तो ये सब क्या है, कल्पना, हमारे सोच, हमारे गणित से पड़े हैं। किसी को खजाना मिल जाना, और ऐसा हुआ है, कोई जगह हीरा मिला है, किसी को कुछ मिला है, कोई खजाना मिला है, तो ये कभी व्यक्ति सोचा रहता है? वो तो सिर्फ यही सोचता है रोजी मजदूरी करेगा या फिर जीवन जिएगा, या फिर जिसको अचानक से मृत्यु आ जाती है वो तो हमेशा यही सोचता है कि वो जिएगा। लेकिन उसके सोच समझ से भी परे की जो बात है वही होता है अघोरी की शक्ति, महाकाल की शक्ति। उसकी शक्ति से आप मन चाहे व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बंधन है, मैं आपको पहले बता दूं कि इसे आप हर व्यक्ति के ऊपर नहीं कर सकते। जिसके साथ आपका अटैचमेंट है, जिससे आप देख चुके हैं, मिल चुके हैं, जिसे आप समझते हैं, उसके ऊपर ही कर सकते हैं। अर्थात यूं समझिए, या तो आप प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, या फिर जिससे आप चाहते हो उसके ऊपर ही करें। क्योंकि यह अचूक पलटवार है, मतलब ऐसा वार है या फिर ऐसा अस्त्र है जो कभी भी निष्फल नहीं होता, 100% सफल परिणाम देता है। और इसके मंत्र के एक एक शब्द में असीमित शक्ति भरा हुआ है। चूंकि अघोरी का स्वरूप है भगवान शिव का, सत्य का, अर्थात इसका जो रूप है वह बिल्कुल ऐसा है, सहज है, सरल है, तो उसकी जो शक्ति है वह अकाट्य है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि तंत्र में जो सबसे शक्तिशाली है, आदि गुरु है, वो शिव ही है, और उसी का पंथ है जितने भी अघोरी हैं। तो उसकी शक्ति से आप अपने मनचाहे प्यार को पा सकते हैं, और यह संभव है, बिल्कुल सरल है, आसान है, लेकिन सरल उसके लिए जो समझा हुआ है। चूंकि मैं आपको बता रहा हूं तो बस नियम का पालन करिए। और देखिए, साधना के समय आपको पर स्त्री के लिए मन में कोई गलत भाव नहीं लाना है, ना ही आपको व्यभिचार करना है, झूठ भी नहीं बोलना है, हो सके तो सच ही बोलना है, और अपने वीर्य नाश नहीं करना है, और मांस मदिरे से थोड़ा सा दूर रहना है। उसके बाद होगा आपके साथ चमत्कार, जो आपके दिमाग, आपका मन ये सब चीजों को पकड़ नहीं सकता, उसके कैच करने की क्षमता से भी बाहर है। मन, बुद्धि, विचार सिर्फ सिर्फ सामने की चीजों को कैच कर सकता है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। वह आप 10,000 कमाते हैं तो 11,000, 15,000 आपकी सैलरी हो सकती है, 20,000 तक हो सकता है, यही कैच कर सकता है। अनंत असीमित अगर मैं बोल दूं आप करोड़ों कमा सकते हैं, तो उसे मन जो है कैच नहीं कर पाएगा, उसमें पावर नहीं है अनंत की शक्ति को समझ पाए। तो यहाँ पे सिर्फ अनंत की शक्ति की बात कर रहा हूँ। तो अनंत की शक्ति का अर्थ ही है कि आप जिस व्यक्ति को सोचे हैं, चाहे हैं, वह पूर्ण रूप से आपको मिल जाएगा, सशरीर वैसे जैसा, चाहे पत्नी के रूप में स्वीकार करें, पति के रूप में स्वीकार करें, दोनों के लिए, स्त्री पुरुष के लिए। मंत्र जाप एक गिलास पानी लेकर के करना है, और व्यक्ति के फोटो को देख करके करना है, ध्यान करके करना है, 501 बार रुद्राक्ष माला से करना है, 5 दिनों तक निरंतर करना है। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम अमुक मोह मोह ह्रीम हूम फट स्वाहा। उसके बाद होगा आपके साथ सोच और विचार से परे का चमत्कार।